गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 3 विषय हिंदी, डेट 17 दिसंबर। बच्चों, हम लोगों ने चूजों से दोस्ती की कहानी पढ़े थे। आज हम लोग उस कहानी को पूरा करेंगे। थोड़ी देर में मौसी ने दरवे की सफाई पूरी कर ली और बर्तन का पानी बदल दिया। मैदान में धूप आ गई थी। मौसी ने चूजों को घेर कर दरवे के अंदर किया और दरवाज़ा बंद करके उसमें ताला लगा दिया। धीरे धीरे आनंदी की चूजों से दोस्ती हो गई। अब वह हर रोज़ उन्हें दाने खिलाने लगी। बड़ा वाला चूजा भी उससे खूब हिल मिल गया। छुट्टियां ख़त्म होते ही आनंदी नाना के गांव और चूजों की यादें लेकर दिल्ली लौट आई और पढ़ाई लिखाई में जुट गई। तो इस कहानी से हमने कैसे देखा, वे चूजों से किस तरह से आनंदी की दोस्ती हो गई। और हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे, उजला रोशनी या प्रकाश। उजाला को रोशनी या प्रकाश बोलते हैं। तिरपाल किसे बोलते हैं, पानी से बचाव में आने वाला एक मजबूत कपड़ा। दरवा किसे बोलते हैं, चूजों के रहने का स्थान। धकियाना यानी धक्का देना। सहलाना प्यार से छूना। मायूस यानी उदास होना। तो बच्चों, आप लोग ये शब्दार्थ याद कीजिएगा और इसे लिखिएगा। थैंक यू।